हेलो दोस्त, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम अभी आ चुके हैं नेपाल के टूरिज्म प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है पोखरा। और पोखरा का ये नाइट लाइफ तो आप देख रहे हैं। लेक साइड एरिया में हूँ, स्ट्रीट नंबर 13 के पास में। और यहाँ पे देखिए थोड़ा पोखरा का नाइट लाइफ कैसा होता है, मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ, घुमाता हूँ पोखरा। आइए, लेक साइड में हम लोग चल रहे हैं। लेक साइड एरिया है, पूरा रेस्टोरेंट और कैफे से भरा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरे बाइक लगा हुआ है ऊपर ऊपर रेस्टोरेंट में, सब कोई डांस एकदम मजा से खा पी रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है। और पिछले दिन में थोड़ा कोरोना कम होने के चलते, कोविड के कम होने के चलते, यहाँ पे जो है टूरिस्ट लोग का फिर से जमावड़ा शुरू हो चुका है। देख चुके हैं आप, इंडियन और थर्ड कंट्री टूरिस्ट सब लोग आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे, और पोखरा एक बहुत ही सुंदर सिटी है नेपाल की, और नेपाल में सबसे ज्यादा पानी पड़ने वाला जगह भी यही है। और यहाँ के फेमस जो है घूमने वाले जगह जो है आपका फेवा लेक हो गया आपका। यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट कैसा है, एकदम फर्स्ट क्लास है आपका। फेवा लेक हो गया, महेंद्र गुफा हो गया, वैसे ही सारंगकोट हो गया, पैराग्लाइडिंग का भी फैसिलिटी है यहाँ पे, बंजी जंपिंग का भी फैसिलिटी है। देखिए पैराडाइज बार एंड ग्रिल्स, लाइव नाइट म्यूजिक इज गोइंग ऑन, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे। लेक साइड, दिस इज लेक साइड पोखरा नेपाल। यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे टूरिस्ट देखे भी क्राउन लॉन्च प्राइवेट लिमिटेड, एकदम एंजॉय हो रहा है। किंग लॉन्स, और यहाँ पे हर एक तरह के रेस्टोरेंट है आप, इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है, एशियन है, चाइनीज है। आप किस तरह के डिश पसंद करते हैं, किस तरह के फूड्स पसंद करते हैं, एक किंग्स लॉन्ज हो गया, फूड ड्रिंक्स म्यूजिक, फूड ड्रिंक्स एंड म्यूजिक, अर्थात खाने के साथ में आपको हर एक प्रकार के यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं। शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे बैग पर्स वगैरह, एकदम से जिंदा सिटी है ये पोखरा। लेक साइड एरिया है, वेरी ब्यूटीफुल सिटी। देख रहे हैं राइस गार्डन रेस्टोरेंट बार, लेक साइड एरिया। यहाँ पे देख सकते हैं आइसक्रीम खाने के लिए सब कुछ जमावड़ा लगा हुआ है। और एक बात, आप अगर आना चाहते हैं पोखरा तो काठमांडू से भी फ्लाइट है, सिमरा से भी फ्लाइट है, आप बाय एयर भी आ सकते हैं, बाय रोड भी आ सकते हैं। आप इंडिया से हो तो कृपया करके रक्सौल तक रेलवे स्टेशन से, और रक्सौल से 1.5 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस कर लीजिएगा तो बीरगंज का बस पार्क आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बस ले सकते हैं, सबसे इजी होगा, बस से आप सफ़र कीजिए। और भाई बस नाइट में भी बस चलता है 8 बजे, और सुबह में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आप भी आ सकते हैं पोखरा, और यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। देखिए ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये फ्लेम्स लॉन्ज है, ये भी रेस्टोरेंट है, ये भी अच्छा डिजाइन से बनाया गया है, आप देख सकते हैं इधर। अभी चैत का महीना चल रहा है, मार्च लास्ट वीक चल रहा है,
तो इसलिए यहाँ पे भीड़ भाड़ बढ़ रहा है, टूरिस्ट लोग का भीड़ भाड़ बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए कपड़े की दुकान है, यहाँ पे नेपाली डांस वगैरह का चल रहा है, टीवी चल रहा है, रेस्टोरेंट एंड जर्मन बेकरी जो है यहाँ पे बूमरैंग करके है, ऐसे है। देखिए दोस्त कैसा है ये पोखरा का लेक साइड एरिया, चलिए कैसा लगा आपका ये वीडियो थोड़ा अपना कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा पोखरा का, अगर पोखरा घूमना चाहते हैं तो। बहुत अच्छा जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, टेम्परेचर भी यहाँ पे ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी रहता है, तो आप आ सकते हैं। चीप एंड बेस्ट बजट में अगर घूमना चाहते हैं तो नेपाल के बहुत ही अच्छे शहर है, बहुत अच्छा जगह है। आप घूम सकते हैं।